छात्रों का आज का टॉपिक है हमारी अधूरी कहानी। ये होने वाला है कलेक्टिव रीडिंग एंड हम चुनने वाले हैं कुछ कार्ड। सामने हमारे हैं दो ऑब्जेक्ट्स, पहला है द टैरो और सेकंड है द एस्पेक्ट्स। तो हम करने वाले हैं रीडिंग्स फ्रॉम दिस टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखते भी क्या कार्ड्स आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टैरो से हमें क्या मिलता है एंड ये करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो बस कुछ ही कार्ड चुनते हैं। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, तीसरा, चौथा, वाओ, पांचवा, छठवा और एक फाइनल सात, ठीक है। टोटल सात कार्ड्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं और अब हम करने वाले हैं इससे रीडिंग। एक और कार्ड हम लेते हैं, नहीं बस इतना ही काफ़ी हो गया। चलो देखते हैं कि भैया रीडिंग क्या आती है। लेट मी पुट द फैन अगेन ओवर हियर ताकि उसमें कार्ड्स फिट बैठते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यस हियर वी गो। आप ये कार्ड ऐसे बैठेंगे यहाँ पे। ओके देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है एज यू कैन सी, ठीक है, वो है सिक्स ऑफ वॉन्स। वाओ हमारी अधूरी कहानी में पहला ही कार्ड सिक्स ऑफ वॉन्स आ गया है, शादी वाला कार्ड जिसे हम कह सकते हैं। पूरा फायर साइन, फायर रिचुअल, मतलब यस शादी के लिए तो फायर बहुत ज़रूरी होता है। तो यस एरीज लियो सैच तो है ही यहाँ पे, लेकिन जो सिक्स ऑफ वॉन्स का कनेक्शन है यू नो ये होता है कि भाई दिल से जज्बात जोड़े जाते हैं एंड यू नो मतलब देखो जब भी आप किसी के बारे में सोचते हो तो एक ख्याल दिल में आता है। मान लो आप पहली दफ़ा ही किसी से मिल रहे हो, पहली बार किसी से मिल रहे हो, चाहे वो कॉलेज का अट्रैक्शन हो या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे कोई नया पर्सन अपॉइंट हुआ है, आप उसकी तरफ देखते ही रहते हो, आपका नेबर हो या फिर कोई प्रपोजल आ चुका है, तो जो ख्याल आता है मे बी कि आप उनसे बस बातें करें, आप उनकी तरफ देखते रहे, ये तो होते हैं भाई जनरल वाले ख्यालात जो मन में तो चलते ही रहते हैं। लेकिन जब ये ख्यालात आगे बढ़ते हैं एंड आप दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फिर एक फेज़ आती है जब आपका एक दूसरे से जुदा होना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं लगता, मंजूर नहीं होता है, तब जो ख्यालात आते हैं कि भाई कब मेरी और इनकी शादी, सगाई, एंगेजमेंट हो सकती है। यही वो कार्ड है। आई थिंक आपका ये पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके काफ़ी मिस करता है। मे बी आपने काफ़ी कस्में भी खाई होंगी या फिर फ्यूचर भी देखा होगा कि भाई हम फ्यूचर में कहाँ रहेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या होगा, कहाँ पे रहेंगे, एवरीथिंग लाइक दैट। अगर वो किसी भी कारण से अगर पूरा नहीं हो पाया है तो ये उसी को लेके बैठे हैं एंड बार बार उसी ख्वाब को जीते हैं, हालांकि उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अगर मैं बताऊँ तो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ था। मैं बस से जा रहा था और एक लड़का था, उसको अपने आई थिंक लड़की का फ़ोन आ गया एंड वो बहुत डिप्रेस लग रहा था, यू नो कि भाई अब मैंने लोन लिया है, मतलब लेने वाला था, वगैरह वगैरह, सिचुएशन ये है, तुमने तो छोड़ दिया। तो जैसे उसने कम बैक करने को कहा कि आई एम गोइंग टू कम बैक, वो इतना खुश हो गया कि सारे लोगों से मतलब हंस के बात कर रहा था, जो भी बाहर के लोग थे उनसे भी हंस के बात कर रहा था, मतलब पूरी खुशी छा गई थी उसके दिल में, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन फायर वाला कार्ड है जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पर्सन तो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, बस आपका है इंतज़ार है। तो मे बी अगर आपने अभी तक इनको कमिटमेंट नहीं दी है, किसी भी हालत से अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली का इशू हो गया है यहाँ पे या फिर किसी का हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल कोई बातें हो सकती हैं, तो ये आपके लिए राह देखने के लिए भी रेडी है। मे बी अगर आप दोनों की अगर एजुकेशन अभी चल रही है एंड मे बी ये एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, इसकी वजह से इनको कहीं कहीं ट्रांसफ़र होना पड़ रहा है या फिर आउट ऑफ दिस कंट्री गए हैं, तो मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लेकिन क्योंकि अभी तक आप दोनों एक स्पेसिफिक वे आउट पर नहीं पहुँचे कि भाई ये होने के बाद ही हम शादी करेंगे, तो इसलिए शायद आपकी राह देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है वो है टेन ऑफ कप्स। तो ये जो कार्ड आपको तो पता ही होगा, आप इससे ज़रूर वाक्य रखते हैं, ये है टेन ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और इमोशंस की जो हद होती है वो ये है कि पूरी तरफ खुशियाँ छा जाना। आई थिंक जब भी ये पर्सन आपको देखता है, मे बी अगर उसने कभी आपके हाथ होल्ड किए हैं या फिर आपको किस किया है, उसके लिए ये जो फीलिंग थी ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। मतलब देखो हम कहते हैं ना कि भाई ऐसा कोई मिले जिसको देख के ही हमें बहुत सुकून मिले, तो वो आप हो सकते हो इस व्यक्ति के लिए।
आई थिंक आपकी अगर बात करें तो इस व्यक्ति के दिल में सब कुछ है, ये व्यक्ति बहुत खुश है, ये व्यक्ति बहुत सेटिस्फाइड है, उसको लगता है कि भाई अगर आपका चेहरा इनकी आँखों के सामने आता है तो इसको और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। टेन ऑफ कप्स की फीलिंग तो यहाँ पे आती है, आई थिंक ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करता है और आपको ट्रस्ट भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द टावर। ओके, तो टावर का जो यहाँ पे मीनिंग आता है वो क्या है वो देखते हैं। मेरी कैट खेल रही मेरे से। ओके, वो टावर कार्ड यहाँ पे आ चुका। आई थिंक टावर इसलिए यहाँ पे आ गया है क्योंकि टेन ऑफ कप्स मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा गठबंधन आपने फॉर्म किया था या फिर एक लेवल तक आप पहुँच गए थे कि भाई सब कुछ सही है। होता है ना ऐसा कि भाई शादी होने वाली है एंड सब कुछ सही होता है, फिर अचानक से द टावर कार्ड आता है। अगर मेरी रियल लाइफ स्टोरी बताऊँ तो मेरी जो आंट थी, यू नो, मतलब आई थिंक मेरे जन्म के कुछ ही सालों बाद उनकी शादी थी एंड मेरे डैड मेरे दूसरे एक आंट को लेके जा रहे थे शादी के यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे डैड का एक्सीडेंट हो गया। तो देखो ये टावर मूवमेंट था, टावर सिचुएशन थी एंड फिर भी मेरी आंट ने कुछ भी मतलब डिनाई नहीं किया। उस दिन उसकी सगाई थी और सगाई से कुछ ही घंटे पहले ये इंसिडेंट हो गया था। माय डैड वाज वेरी सीरियस, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया एंड बहुत कुछ हुआ। ही वॉज देन सेफ एंड साउंड, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारे दिन का इंतजार करना पड़ा। वी वर रियली ट्रबल्ड, लेकिन उन्होंने तब हमारी बात नहीं मानी थी। मतलब जो कहते हैं ना कि भाई शगुन जो होता है या फिर जो साइंस मिलते हैं उसके हिसाब से यूनिवर्स हमें कुछ कहने की कोशिश करती है। यूनिवर्स मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई यूनिवर्स नाम का शख्स आएगा और आपसे बात करेगा, नहीं, आपको सिंबल्स मिलते हैं। उन्होंने तब ये नहीं माना था एंड अगर वो उस वक्त ये सगाई तोड़ देती किसी भी कारण से तो शायद चीज़ें सही हो जाती। आज अगर हम देखें तो बहुत सारी दुखद घटनाओं से वो गुजर चुकी हैं, उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही ख़राब रही, फिर ऐसी चीज़ें हुई, बट इट वॉज लाइक, देखो हम बता नहीं सकते कि चीज़ें कैसे कब टर्न आउट हो गई। हमें यूनिवर्स साइन देता है और हमें उसकी तरफ देखना होता है। तो टावर सिचुएशन मतलब शायद ऐसा कुछ हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में कि बस बात बनते बनते बिगड़ी होगी, शायद फैमिली ने मना किया होगा या फिर इनका बिजनेस अचानक से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा। कोविड में जब मैंने न्यूज़ देखी कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेस फील कर रहे हैं, किसी का जॉब चला गया, किसी का जो बिज़नेस था वो ठप पड़ गया, सो दैट वाज रियली डिप्रेसिव थिंग फॉर पीपल। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है जस्टिस। सो थिंक ये जो गुहार लगाने की बात है वो ये शख्स कर रहा है कि भाई लिब्रा वाला कार्ड है ये। ये पर्सन चाहता है कि भाई मैच मी, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत किया है और अगर ये सच है तो आप क्यों मुझे अभी अकेला छोड़ रहे हो। शायद ये उनके ऊपर परिस्थिति की भी मार हो सकती है, किसी भी कारण से अगर ये हेल्थी नहीं है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा भरोसा दिखाओ मेरे ऊपर, वापस से मैं सब पहले जैसा यार उससे भी बड़ा ज़्यादा अच्छा करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ यानी कि लियो। देखो इस पर्सन की चाह बहुत ज़्यादा है और विश्वास तो इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात है जो आपको कहना चाहता है कि ये आपके प्रॉमिस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो हाँ, अगर ये अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो चंद पैसे भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। जो जॉब कर रहा है या फिर जो बिज़नेस कर रहा है उससे उसे काफ़ी अच्छा लाइफ जीने को मिल सकती है, लेकिन अगर वो आपकी बात करता है तो मे बी इससे 10 गुना भी ज़्यादा इनकम वो समेट सकता है, प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको आपसे वायदा चाहिए कि आप इसका साथ ज़रूर निभाओगे। अगर आप ये वायदा करते हो तो आपके लिए ये कुछ भी करने को रेडी हो सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एक एनर्जी यहाँ पे दिखती है जो कि है रूट साइन, और रूट साइन यहाँ पे बताता है कि भाई देखो ये आपका राह आपकी राह देख रहे हैं और अपना दिल आपके राह में लेके बैठे हैं। जिस भी पल आपको लगता है कि आप इनको सच में याद करते हो आप जाके इनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, या आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन आपकी वेट ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दिस वन, और अब देखते हैं कि भाई हमें एस्पेक्ट से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग। ओके, सो हियर वी गो, चलो कार्ड्स की शफलिंग करते हैं।
देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पे। सिर्फ कुछ ही कार्ड हम चुनेंगे। ओके, ये आ गए दो कार्ड, ये आ गया तीसरा कार्ड और एक फाइनल एक दो कार्ड हम चुनते हैं ताकि काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन मिले। चलो भाई, इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। आई होप ये ऐसे ही वर्क कर देगा। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी ये है डैशिंग। आई थिंक ये पर्सन की अगर हम यू नो बात करें इसके जेन्युइन स्वभाव की, नेचर की, तो ये डैशिंग और ज़्यादा बन चुका है जब से आपने इनके ज़िंदगी में कदम रखा है। देखो ऐसे कई बार देखा गया है कि व्यक्ति तो शांत होता है लेकिन प्यार उससे बहुत कुछ करा सकता है। एक बहुत पुराना एनिमेशन था, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, वॉल्ट डिज्नी का था। एक बकरी होती है और उसे एक बाघ या शेर का एक यू नो छोटा बछड़ा, मतलब छोटा बच्चा मिल जाता है, ठीक है, और उसे पाल लेती है। सब लोग बोलते हैं कि क्या है ये, क्या है, लेकिन जैसे फिर वो देखते हैं तो यू नो संगत का असर होता है, तो बाकी बकरियाँ भी डरती रहती है यहाँ वहाँ। तो वो जो शेर होता है, वो छोटा शेर, नन्ना शेर ऐसा ही करता है, दुब कर बैठा था, डरता था, तो सब लोग उसे यू नो सब लोग उसको देख के खुश भी हो जाते थे और हंसते भी थे। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि वो जो बकरी है उसको यू नो वो एक कहीं जगह पे चरने के लिए आती है, और वहाँ पे एक आई थिंक जानवर आता है बड़ा सा उसे मारने के लिए। तब वो डर जाती है कि अब क्या होगा, और उसे अपनी बेटे की याद आती है, मतलब इस शेर की, कि क्या होगा अब अकेला रहेगा। तब ये शेर भी डरता है और सबके सामने छुप जाता है। लेकिन फिर जिस वक्त वो देखता है कि अब उसकी माँ के ऊपर हमला होने ही वाला है, तब उसके ज़िंदगी का असली शेर बाहर आता है और वो ज़ोर से दहाड़ता है और वो जानवर भाग जाता है। फिर सब लोग उसको उसकी तारीफ करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो डैशिंग नेचर है वो कैसे आ गया, आई थिंक आप अभी इनके लिए वही काम कर सकते हो या फिर कर चुके हो। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नोज। वेल आई थिंक आपकी जो समय, आपकी जो ये आदत है, शायद आप इनके हर बात में अपनी टांग अड़ाते होंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर यू नो इट्स लाइक कि कहते हुए, हम कहते हैं ना कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ये सही होगा, वो सही होगा, तो ये अब इनको आदत सी हो गई है और अब ये आपको बिल्कुल भी भुला नहीं पाते। ये चाहते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में वापस से चले आए, यू नो। सेकेंडली जो नोज़ की बात आती है, मे बी इनको आप यू नो जो एक तरीका होता है ना कि नोज़ हम कहते हैं कि नोज़ कनेक्शन या फिर नोज़ डूडलिंग या फिर यू नो नोज़ किसिंग वगैरह, वो भी चीज़ इनको काफ़ी पसंद होती होगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है वो है बोल्डनेस। मे बी आपके अंदर की जो बोल्डनेस है जो इन्होंने देखी, इनको काफ़ी पसंद है, यू नो चाहे आपकी मुलाकात कहीं पर भी हुई हो, लेकिन जिस तरह से आप दुनिया को फेस करते हो, दुनिया को देखने का तरीका, दुनिया को जीने का तरीका, एक जो जज्बा होता है वो हर एक में नहीं होता। जैसे कि अमेज़ॉन के हम देखते हैं वॉरियर जो कि हैं वंडर वुमन, वो जो हमें दिखता है कि वाओ व्हाट अ पावर, व्हाट अ स्ट्रेंथ, वो क्यों होता है, उनके अंदर वो बोल्डनेस होता है। तो बोल्डनेस का मतलब ये नहीं कि बीइंग हॉट, बोल्डनेस का मतलब ये भी होता है कि जिस तरह से हम दुनिया को फेस करते हैं, काफ़ी कम लोग ये कमाल कर सकते हैं, और आई थिंक आप में अगर ये कमाल है तो ये ज़रूर आपको मिस करते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है डिसिप्लिन। ठीक है, तो आपकी डिसिप्लिन वाली अदा इनको काफ़ी पसंद है और यही वो बात है कि वो आपसे ज़्यादा क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं। देखो डिसिप्लिन होना इनको काफ़ी पसंद आता है, एंड जब भी आप दोनों डिसिप्लिन में रहते हो, मे बी आप बहुत पंक्चुअल हो, समय को मानते हो, समय के अनुसार आगे बढ़ते हो, यू आर प्रोग्रेसिंग यू नो स्टेप बाय स्टेप इन योर ऑफिस एंड लाइफ, वाइज ये उनको काफ़ी पसंद आता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है शाइनेस। बोल्ड होते हुए भी आप कभी कभी अपनी हद क्रॉस नहीं करते, अपने लिमिट में रहते, और ये जो एक अदा है जिसे हम कहते हैं संस्कृति हो या फिर एक अदा हो, वो इन्हें काफ़ी पसंद आती है। तो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।